चौमू शहर में बुधवार सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। एक अस्पताल के खिलाफ इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने चौमू थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर 7 दिन में मामले की जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ और यह धरना करीब 2 घंटे चला। चौमू शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित भोड़ियों की ढाणी निवासी प्राइवेट शिक्षक बजरंग लाल कुमावत की 2 नवंबर को मौत हो गई थी। वो 2-3 दिन से चौमू के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिस पर उन्हें इलाज के लिए जयपुर के एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। चौमू अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आज मृतक के परिजनों सैकड़ों लोगों के साथ पैदल मार्च निकाल कर चौमू थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर आज परिजन इस घटना को लेकर आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया और लापरवाह अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस थाने के बाहर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। मृतक के चाचा बाबूलाल कुमावत ने बताया कि अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण मेरे भतीजे की मौत हुई है। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज सभी लोग यहां एकत्रित हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सिद्धिविनायक अस्पताल के खिलाफ लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 7 दिन में मामले की जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद ग्रामीणों का धरना समाप्त कर दिया गया। इस मौके पर RLP प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव, पूर्व डिजिटल मीडिया प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमावत, मुकेश सैनी, पार्षद महेंद्र कुमावत, पूर्व पार्षद जगदीश सैनी, गजानंद कुमावत, महिला वुमन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष जगविंदर कौर, पार्षद अनिता कुमावत सहित सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इनका कहना है कि सिद्धिविनायक अस्पताल चौमू के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। घटना को लेकर दुख हमें भी है। कोई भी अस्पताल प्रशासन मरीज का अस्पताल में उपचार करता है, मृतक के परिजनों को किसी अन्य लोगों द्वारा उकसाया जा रहा है, अस्पताल की छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। मृतक के परिजनों के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन गंभीर स्थिति होने पर रेफर किया गया था।